खबर झारखंड से है। झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल हसन ने एक ऐसा बयान दिया है जो आपत्तिजनक है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि अगर 30% आबादी परेशान रहेगी तो खामियाजा 70% आबादी को उठाना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ ना करे केंद्र सरकार, 30% आबादी परेशान है तो 70% लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है। जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। तो हफीजुल हसन का ये बयान जो है आपत्तिजनक है। उन्होंने एक तरह से धमकी भरा बयान दिया है कि अगर 30% आबादी परेशान है तो वो बाकी की 70% आबादी को भी परेशान करेगी। किस तरह से अब झारखंड सरकार इस पर कार्रवाई करेगी या कोई और प्रतिक्रिया देगी ये भी देखना होगा। लेकिन एक मंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर का इस तरह का बयान आना और उसमें धमकी वाले टोन होना, वो काफी आपत्तिजनक है। आइए आपको सुनाते हैं हफीजुल हसन ने आखिर क्या कहा है। जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, उनका कहना है कि 30% लोग अगर परेशान होंगे तो 70% को उसका खामियाजा भुगतना होगा। माहौल खराब करने की गरज से दिया गया बयान माना जा रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सोरेन की हिम्मत है तो इस मंत्री को अपने पद से हटाकर दिखाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।